अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने इन बजीज की केयर और इनको टेम कैसे करना है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, आज मैं आपको इन बजीज की केयर और टेमिंग का सारा कोर्स करवाने वाला हूँ। तो ये बजीज भी बजीज का माइंड भी बच्चों की तरह होता है, अगर आप उनको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे तो ये भी आपके दोस्त मिलेंगे और आपको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, और अगर आप इनको मारेंगे या फिर आप इनको पनिश करेंगे किसी बात पे तो ये भी आपको पसंद नहीं करेंगे और आपके उंगली के ऊपर कभी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे, उल्टा ये आपसे डरेंगे। तो आपने सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनको टेमिंग की ट्रेनिंग के लिए आपने एक सेपरेट बंद कमरा लेना है जिसके अंदर से बस ये स्केप ना कर पाए, बाकी सब कुछ ठीक है, और पंखा ना चल रहा हो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, इनके लिए भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर ये खुदा ना खास अगर पंखे के साथ टकरा गया अगर इनका ब्लड 10 ड्रॉप से ज़्यादा लीक हो जाए तो इनके मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप कोई नया बजी लेके आए हैं या फिर कोई नया पैर लेके आए हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आप इनके दुश्मन नहीं बनना चाहते, यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने इनका दुश्मन बनना है या फिर दोस्त। जब तक ये आपको बोलते हुए यहाँ पर फ्रेश ना नज़र आए ना 2-3 दिनों तक, तो फिर तब तक आपने इनकी टेमिंग नहीं स्टार्ट करनी। और तो अब हम लोग बात करते हैं इनकी केयर की, आपने इनकी केयर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करनी है। अगर आपने अपने जो उनसे पैरेट्स हैं उनके पानी और दाने का स्पेशल ध्यान रखना है कि उनके अंदर कोई कीड़ियाँ ना जाएं और इनके अंदर ये कोई विट ना करें, क्योंकि अगर इनके अंदर विट है तो उनके अंदर भी जरासीम होते हैं। तो आपने कोशिश करें कि उस विट को निकाल लें और चेंज कर दें, और अगर दाने के ये छिलके हैं ना, इसके अंदर ये छिलके उतार के खाते हैं, तो आपने इस तरह हल्की सी उसके अंदर हवा फूंक मारनी है जिससे वो जो उनसे हल्के छिलके ना वो चले जाएंगे। तो अगला जो हमसे आपने स्टेप करना है उसके अंदर मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी आपने क्या करना है। तो आपने सबसे पहले एक ध्यान रखना कमरे का, जो सा मैंने आपको पहले बताया है कि आपने कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले आपने इनका दरवाज़ा खोलना आहिस्ता से ताकि ये डरे ना, ये टेम्ड बजी इसलिए इतना नहीं डरे। आहिस्ता से आपने इनकी जो सी स्टिक है ना उसके दरमियान में इस तरह हाथ कर देना है, इस तरह 5 दिन बाद ना ये आपके हाथ से डरना छोड़ देंगे। तो अगर जो सा आपने स्टेप करना है, जो सा पहले मैंने आपको स्टेप बताया था वो था इनका डर ख़त्म करने के लिए आपके हाथ से, और अगला जो सा स्टेप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके साथ दोस्ती कैसे करनी है। तो आपने आहिस्ता से जिस तरह आपने हाथ अंदर डाला उस तरह से करना, आहिस्ता से इनका दरवाज़ा खोलना है और अंदर इस तरह रख देना। ये टेम्ड बजी इसलिए खा रहे हैं, नहीं तो फिर आपके जो से अनटेम्ड बजी होंगे वो थोड़ा टाइम लेंगे खाने के लिए, आपने इस तरह रखते रहना। ये देखिए कितने मज़े से खा रही है। आप इनको धनिया पालक या फिर पुदीना दें, ये बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें कितने मज़े से खा रही है, अभी तोते को भूखने लगी, अभी खा के फारिग हुआ है। ये देखें कितने मज़े से खा रहा है, देखें जी कैसे इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये देखे कितने मज़े से खा रहे हैं, ये देखे माशाल्लाह से कितने मज़े से खा रहे हैं और इनको कितना मज़ा आ रहा है। और इस तरह आपने 2-3 दिन करना है, उनके बाद फिर ये आपके हाथ से प्यार भी करना शुरू कर देंगे। इनके ग्राफ के अंदर ये होता है फूड इज इक्वल टू लव, मतलब कि अगर आप इनको खाना देंगे तो ये आपसे प्यार करेंगे, आपका ये समझेंगे कि आप इनसे प्यार करते हो तो ये भी आपको लव दिखाना शुरू कर देंगे। देखें कितने मज़े हैं इनके, इस तरह टेम करेंगे तो आपके बजीज भी खुश होंगे और आप भी इनको देख के खुश होंगे। तो आपने अपनी प्यारी फिंगर लेनी है, तो आपने सबसे अगला स्टेप है वो है इनको अपने साथ फ्री करना। फ्री तो ये पहले ही थोड़े से हो गए होंगे, आपने इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले समझाया कैसे दरवाजे खोलना है, कैसे हाथ अंदर डालना है, आपने आहिस्ता से इनकी बेली के नीचे इस तरह पुश करना है। ये अभी थोड़ी सी सोने के मूड में गुस्सा कर गई है,
ये देखें, और अगर आपने ये अंदर जाना चाह रही अभी, ये देखें गाइस कितने प्यार से बैठी है, कितनी प्यारी लग रही है। बेचारी का थोड़ा सा पैर जख्मी हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरह आहिस्ता से इसकी बेले के नीचे पुश करना है। मैं आपको एक और दफा दिखा देता हूँ, बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल। आपने लिया बाइट्स की टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता से देखें, अभी थोड़े गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। और ये जो सा तोता है, ये हम लोग नया लाए हैं इसलिए थोड़ा सा डरता है हम लोगों से, इसलिए अभी मैं इसके लिए और स्टेप कर रहा हूँ। ये देखें मेरे हाथ पर कैसे, तो ये खाना शुरू हो गया है। ये देखें गाइस, अभी मोबाइल से डर रही है, अभी इसको आदत नहीं ना हुई। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है कैसे करना है, आपने आहिस्ता से लेके इनकी बेली के नीचे, यहाँ पर फुट के नीचे आहिस्ता से पुश करना है। ये देखिए गाइस, इसको अपने पिंजरे से कितना, कितनी मोहब्बत है। मैं इस टाइम थोड़ा सा पास करूंगा ना, लिखना, ये पिंजरे के अंदर काफी देर रहते हैं ना, तो इनको अपने पिंजरे से प्यार हो गया। मैं हल्का सा करूंगा, ये देखिए खुद ही जंप करके चला गया। ये भी थोड़ी सी आवारागर्दी करने के मूड में है। इसको भी अगर मैं इधर रखूंगा ना, ये देखेंगे खुद ही चली गई, कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी। देखेंगे इनको इस तरह पे इधर से मोहब्बत हो जाएगी अपने पिंजरे से। तो गाइस अब ये वीडियो का अभी एंड होने वाला है, तो आप इन प्यारे से बजीज के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप और इनकी केयरिंग के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।